Assalamualaikum, sweet and spicy में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे ग्रीन सॉस। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया, पुदीना, नींबू का रस, नमक, जीरा, लहसुन, कुटे हुए लाल मिर्च और पानी। इन सब की मिकदार आपको लास्ट में रेसिपी कार्ड में ज़रूर मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब वन बाय वन हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को जग में डालेंगे। इस सॉस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये केमिकल फ्री है, इसमें सब कुछ नेचुरल है, जो कि अमूमन जब भी आप कहीं बाहर से कोई भी सॉस लेते हैं तो उसमें नहीं होता, उसमें लाजमी कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी है इस लिहाज से आपके लिए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आप इसे लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ, समोसे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी से तमाम ख़राब मादों को निकाल देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप मोटे हैं या पतले होना चाहते हैं तो इसे डेली में अपनी डाइट का पार्ट बना लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसके नतीजे नज़र आ जाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी की मात्रा कम रखेंगे। ज़्यादा पानी डालने की वजह से ही बहुत ज़्यादा लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे ब्लेंड करना। इसमें हमने लहसुन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज काम करेगा, हमारी जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जिनको ब्लड इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल एचबी इश्यूज़ हैं जिन्हें, वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, उन्हें बहुत फ़ायदा हासिल होगा इससे। और साथ ही साथ क्योंकि हमने इसमें मेन कोरिएंडर का यूज़ किया है, तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई दिल का मरीज है तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें स्पेशली सबसे पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ हुई हैं, धनिया, पुदीना और लहसुन की वजह से भी, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, इसलिए ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इसे इस्तेमाल करें। और इसमें इंग्रीडियंट्स भी सॉस में सब कुछ वो यूज़ हुए हैं जो आपके घर में कॉमनली मौजूद होते हैं, कोई ऐसा इंग्रीडियंट नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो, इस किस्म का कोई भी इशू हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। आप सबने ये मुझे जरूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं यहाँ पे पुदीने से इसकी गार्निशिंग करूँगी, क्योंकि गार्निशिंग करके चीज़ और भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, खुद बहुत खाने का दिल करता है। आप सबने ये रेसिपी ट्राई करके लास्ट में मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लास्ट में शेयर करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। यहां से आप अपने तमाम इंग्रीडियंट्स नोट कर सकते हैं। बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।